ठीक है, हम लोग सीखने जा रहे हैं रे डायग्राम ऑफ लेंस। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और कुछ नहीं, सारी चीजें एक ही जैसे होती हैं, जैसे मिरर में होता है वैसे इसमें होता है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, लेंस में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका सेकेंड फोकस इधर होता है। तो यहाँ पे मैंने एफ दिखा दिया, यहाँ पे मैंने टू एफ दिखा दिया, और ये जो एफ होता है ये सेकेंड फोकस होता है, ये फर्स्ट फोकस है, ये टू एफ दिखा दिया। ऑब्जेक्ट को मैं इधर प्लेस कर रहा हूँ। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट को, अच्छा अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखोगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, ये ऑलरेडी तुम जानते हो। तो मैं इधर ऑब्जेक्ट को रख दिया, और ऑब्जेक्ट को रखने के पहले पहले रेज चला लें एक बार इस पर। तो अगर एक रेज पैरल चलाते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल चलाते हो, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से जाती हुई मालूम पड़ेगी। और रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर एक रेज फोकस से आ रही है तो फिर पैरल जाएगी, पैरल आ रही है तो फोकस से जाएगी। दूसरा, अगर कोई रेज तुम इसके ऑप्टिकल सेंटर चलाते हो तो थिन है ना, तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। बस इसी दो रेस को ध्यान रखना है, एक तो पैरेलल रेस और एक इस रेस को ध्यान रखना। और तीसरी रेस यही है, जो भाई पैरेलल जा रही है तो फोकस जा रही है, तो फोकस जाएगी तो पैरेलल जाएगी। बस दो रेस जानना हमें, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेस जा रही है तो फोकस से पास करके जाएगी सेकेंड फोकस से, दूसरा अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रेस जा रही है तो सीधे निकल जाएगी कॉन्वेक्स लेंस पे। यही कॉनकेव लेंस की बात करोगे, अगर यही कॉनकेव लेंस की बात करोगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, इस अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो इसका सेकेंड फोकस इसी के तरफ होता है। अब अगर एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पैरेलल, तो फोकस से आते हुए मालूम पड़ेगी, ऐसे चाहिए। दूसरा, अगर एक रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो अनडिबेटेड हुए सीधे चलती है, अनडिबेटेड। इस दो रेस पे ध्यान रखना, बस कॉनकेव लेंस पे ये और कॉन्वेक्स लेंस पे। सिंपल, रेस पैरल जाएगी तो फोकस से पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर्स, अनडिबेटेड। रेस पैरल आएगी तो फोकस से आती हुई मालूम पड़ेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडिबेटेड। ये दो चीज ध्यान। अब आते हैं, ये तो रे है दिखाया, अब ऑब्जेक्ट का पोजिशनिंग डिसाइड कर लेते हैं। तो पोजिशनिंग के लिए हम लोग फिर यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में मैंने लेंस दिखा दिया, ये फोकस है, ये 2F है, ये फोकस है, ये 2F है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा। तो अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो उसका इमेज तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगी, इसीलिए हमें स्पेशली क्या करना होता है कि हेड का इमेज बनाना होता है, हेड का इमेज बनाना होता है। तो हेड के लिए मैंने क्या किया, और अगर इमेज बनाना है तो दो रेज चाहिए उस पॉइंट से, किसी पॉइंट का अगर इमेज बनाना है तो वहां से दो रेज चाहिए। इस पॉइंट की इमेज बनाना है तो एक रेज इसके पैरेलल पैरेलल चला दो। अब पैरेलल चलाओगे तो फोकस से आती मालूम पड़ेगी, मालूम क्या, फोकस से पास करेगी। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से चलाओ, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से चलाते हो, माइक बंद रखना, अगर तुम ऑप्टिकल सेंटर से चलाते हो ऐसे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक काम करते हैं, पहले रेस को ना सही बना लेते हैं। एक रेस पैरल चलाया, वो फोकस से आते हुए मालूम पड़ेगी। इसको ऐसे करो। दूसरा, एक रेस मैंने इसके ऑप्टिकल सेंटर से चलाया, ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे रेस पास कर रही है, ये रेस तो सीधे निकल गई, और ये रेस ऐसे गई तो इससे रिफ्रैक्ट हुई। तो रिफ्रैक्टेड रेस एक तो ये है, एक तो ये है, तो इंटरसेक्शन है तो इमेज यहाँ बनेगा। तो तुम देख भी रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F के बीच में है तो इमेज फोकस और 2F के बीच में बन रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यू, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज लिख रहा हूँ, कि अगर ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, तो इसका इमेज 2f और f के बीच बनेगा। दूसरा ये क्या होगा, रुको, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज, इसको मैं लिखा यू को इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, तो इमेज 2f और f के बीच बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है, देखो छोटा है डिमिनिश है। थर्ड इन्वर्टेड है, नेक्स्ट रियल है, रियल है क्योंकि इधर रिफ्लेक्टेड साइड है। अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम आगे बढ़ाओगे ना तो इसका इमेज ना उसी डायरेक्शन में भागता है, लेंस की प्रॉपर्टी, लेंस रुका हुआ है ना, तो मैंने कहा था ना कि लेंस अगर रुका होगा तो अगर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज उसी डायरेक्शन में जाएगा। देखो अगर इस ऑब्जेक्ट को तुम इधर भगाते हो तो इसका इमेज इसी डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाता है, तो जब ये 2f पे आता है ना तो ये भी 2f पे चला जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खासियत है इसमें, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट इन्फिनिटी से 2f तक होगा, तो इमेज का मोमेंट f से 2f तक जाएगा, तो ये f से 2f के बीच की दूरी कम है और ये इन्फिनिटी से 2f की दूरी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट के बहुत तेज भगाओगे ना ऑब्जेक्ट को तो इमेज धीरे धीरे भागेगा, तभी तो जाके धीरे धीरे पहुंच रहा है यहाँ पे और ये बहुत तेजी से आ रहा है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर 2f और इन्फिनिटी के बीच में हो ना तो उसकी स्पीड अगर ज्यादा है तो इमेज की स्पीड कम रहेगी, भले ही डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, बट इतना भी ठीक है, इतना काफी है, इसकी जरूरत है। वो तो मैं एनालिसिस कर रहा था कि मोशन में स्पीड बढ़ रही होगी, चेंज हो रही होगी, क्या हो रही होगी। सिमिलरली जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f पे आएगा इमेज कहाँ पहुंचेगा, 2f पे। अब u की वैल्यू अगर 2f के बराबर है, इमेज 2f पे आएगा, इक्वल साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा। अब 2f और f के बीच अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो रिवर्स बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, अगर f और 2f बीच में है तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज यहाँ बना था ना 2f और इन्फिनिटी के बीच में, तो वही है, अगर 2f और f के बीच में तो इमेज 2f और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। तो u की वैल्यू अगर 2f से कम है और f से ज्यादा है तो इमेज कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी 2f और इन्फिनिटी के बीच में जाएगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड इनलार्ज हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। देख सकते हो इतना छोटा ऑब्जेक्ट है तो इतना बड़ा इमेज बन रहेगा, उल्टा जब लिख रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जब भाग रहा है इमेज वैसे वैसे भाग रहा है। अब ऑब्जेक्ट 2f पे आया तो इमेज 2f पे गया, फिर 2f के बाद जब ऑब्जेक्ट f पे आ रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट f पे पहुंचेगा तब तक ये इमेज कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। जब u f के बराबर आएगा तो इमेज हो जाएगा इन्फिनिटी पे, और ये बहुत बड़ा होगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज। बाकी कमेंट नहीं किया था, रियल है कि इन्वर्टेड है, नहीं, क्योंकि वो एफ पे इधर है कि इधर, यही पॉइंट हो जाएगा। अगर एफ के जस्ट इधर है, एफ के जस्ट इधर है तो रियल होगा, और एफ के जस्ट उधर गया तो वर्चुअल हो गया, तो वो उल्टा इस साइड में हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एफ से कम है और 0 से ज्यादा यू की वैल्यू, अगर इस कंडीशन में, तो इमेज जो होगा तुम्हारा अगर इसके बीच में होगा तो इमेज वापिस इधर आ जाएगा, मतलब अगर ऐसा दिखा रहा हूँ, इसका डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये तुम्हारा एफ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये वाला एफ एस है, इक्वल दूरी इधर से, तो यहाँ से जो रेज जाएगी वैसे जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इस रेज कैसे बढ़ाओगे, ऐसे पीछे भगा दो, तो यहां बनेगा। अब तो इसको हम सिर्फ लिखेंगे वर्चुअल होगा एंड लार्ज होगा, किसके बीच में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि भैया अगर ये एग्जैक्ट इस एफ के हल्का सा इधर हुआ तो इमेज इस इंफिनिटी पे है, और जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे इमेज भागेगा, और इमेज अपनी बार तेज भागेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे भाग रहा है, और जैसे इस ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर के पास पहुंच जाएगा, मतलब यू जीरो हो जाएगा तो भी जीरो हो गया, मतलब इमेज सीधे इसके पास आ जाएगी, इसमें भी यू जीरो तो भी जीरो होता है, तो
तो ये कहना है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज इस एफ इसके बीच में रहेगा कि एफ किधर रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता। वो उसके लिए वैल्यू चाहिए कि पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि इस एफ तक आए। बस ये मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट इस फोकस के जस्ट इधर है तो इमेज इन्फिनिटी पे है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट भागेगा इसके तरफ ये इमेज भी उसी डायरेक्शन में भागेगा, उसी डायरेक्शन में, और जैसे ही ऑब्जेक्ट इस लेंस के पास पहुंच गया, यू जीरो हो गया, तो इमेज का भी वी जीरो हो जाएगा, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास आ जाएगा और लेंथ में भी इक्वल साइज का हो जाएगा। मतलब अगर कहीं ये स्टेट ई मिरर पे भी होता है, इफ यू इज जीरो वी इज जीरो साइज ऑफ इस केस में, ये तो सब पे होल्ड करता है। अगर यू जीरो है तो भी जीरो होगा, इमेज का लेंथ ऑब्जेक्ट लेंथ इक्वल साइज का होगा, मैग्निफिकेशन वन हो जाएगा। ये फॉर ऑल होता है, मतलब इक्वल लेंथ फॉर ऑल लेंस एंड मिरर्स, ये होल्ड कर जाएगा। एक और चीज, इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट का लेंथ एक दूसरे के बराबर होगा, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है ध्यान, ये जीरो नहीं है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये लेंथ इक्वल दो केस में होता है, एक जब 2f पे रहता है या उस पे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, या यू जीरो और वी जीरो पे होता है, दो बार लेंथ इक्वल होता है। ओके, तो ये तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस आपको बता दिया, द सेम थिंग्स आपको कॉनकेव लेंस बताने जा रहा हूं। कॉनकेव, हाँ हाँ ठीक है, ये हमेशा मैग्नीफाइंग रहेगी, हमेशा ये बड़ा रहेगा इससे, ठीक है, और ये जब इसके पास जाएगा तो साइज में छोटा होगा, और साइज में इससे कभी छोटा नहीं होगा, हमेशा मैग्नीफाई होगा, लेकिन जब यू जीरो हो जाएगा तो वी जीरो, उस केस में एम वन आएगा, अदरवाइज एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन वन से ज्यादा आता है वर्चुअल का, और कॉन्वेक्स मिरर में भी मैग्निफिकेशन वन से ज्यादा आता है वर्चुअल का। ओके, कॉनकेव में आते हैं। कॉनकेव में मैंने यहाँ पे लिखा सेकेंड फोकस, ये 2F है, अब ऑब्जेक्ट को तुम इधर रखो तो रे जैसे जाएगी, फिर इसके फोकस से आती मालूम पड़ेगी ऐसे, और एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रे चला दो ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ रे चला ऐसे ऐसे चलाओ, तो ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, इसका इमेज ये है, इमेज ये है, और अब तुम इसको कितना भी आगे बढ़ा दो, कितना भी आगे बढ़ा दो, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के ही बीच में तुम्हें मिलेगा। देखो जब आगे बढ़ाओगे ऐसे तो फिर इंटरसेक्ट ऐसे मारोगे, लेकिन हाँ जब तुम आगे बढ़ाओगे ना, देखो जैसे कि मैं अगर आगे बढ़ा दिया इसको, अगर मैं आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो एक रेस तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये तो यही रहेगा रेस, लेकिन ये जो ऑप्टिकल सेंटर की रेस चलेगी ना, सेंटर की रेस चलेगी, वो देखो इंटरसेक्ट यहाँ मार रही, तो इमेज यहाँ बन गया। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट आगे भाग रहा है तो इमेज उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, लेकिन अब की बार साइज बड़ी हो रही है, और फिर जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंच जाएगा, यू जीरो हो जाएगा, तो बी अगेन जीरो हो गया, अब फिर मैग्निफिकेशन वन हो गया, अब साइज में इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज हमेशा डिमिनिश्ड होगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें ये कह सकता हूँ, इस केस में फॉर रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, और इधर भी हम लोग सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, रियल ऑब्जेक्ट है, सारी स्टडी रियल ऑब्जेक्ट हो रही है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव लेंस में इमेज ऑप्टिकल सेंटर ओ, मतलब पॉइंट ओ है, ओ और एफ के बीच बनेगा, दूसरा वर्चुअल बनेगा क्योंकि सेम साइड है, वर्चुअल बनेगा, रिफ्रैक्टेड इधर है ना, इस साइड में नहीं है, डिमिनिश्ड होगा एंड इरेक्ट होगा, बस इतना हमें ध्यान रखना। अब यूवी डायग्राम की बात करते हैं, सेम थिंग्स यूवी डायग्राम पे, यूवी डायग्राम तुम देख सकते हो, जितनी भी चीजें हैं सर सब पिछली यूवी, स्लाइड दिखा दीजिए सर। जितनी भी चीजें हैं सब यूवी डायग्राम। फिर आएंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे, मिरर करो लेंस पे, अगर इन्फिनिटी पे रख दूं ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस यूवी डायग्राम, देखो ये एफ टू एफ,
इधर भी f दिखा दिया, इधर भी 2f दिखा दिया, और इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस बना दिया, तो अपने पास x एक्सिस बना दिया। और इधर क्या है, f है, तो इसको मैंने u दिखाया, इसको मैंने v दिखाया। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता तो इमेज कहाँ बनता, इस फोकस पे, प्लस फोकस आता। अगर ऑब्जेक्ट इस इन्फिनिटी पे है तो इमेज इस एफ पे आता, मतलब एफ प्लस बनता। अगर ओरिजिन है प्लस इधर ऊपर, मतलब अगर ऐसा है तो इधर प्लस ऊपर प्लस, तो अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज इस एफ पे आएगा, ये पॉजिटिव है तो यू भी पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और यू क्या माइनस इन्फिनिटी इधर ना, तो मार्क इधर कहीं बनेगा, इधर कहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया इसको, दूसरा अगर एक और चीज देखो, तो अगर इस इन्फिनिटी पे तो इमेज इस एफ पे बन रहा है, तो मैंने एक डॉट मार्क कर दिया यहाँ पर, ये दूरी एफ के बराबर होगी और ये इन्फिनिटी के बराबर होगी। अब जब तुम इसको आगे बढ़ाओगे आगे, तो इमेज कहाँ जाएगा, जब आगे बढ़ाओगे तो इमेज 2f पे जाएगा, ठीक है, लेकिन जब और f पे बढ़ाओगे, f पे जब इस f पे आएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगा, इस इन्फिनिटी पे, जब इस f के जस्ट इधर होगा तो इमेज इस इन्फिनिटी पे हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर u f पे आएगा तो इधर एक लाइन दिखा देंगे, ऐसी लाइन, एक वर्टिकल लाइन पहले दिखा दो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दिखा दो f वाली, एक ऐसी लाइन दिखा दो f वाली, देखना इस, ये जो है ना ये ओरिजिन है, ध्यान रखना दिस इज द ओरिजिन, तो और ये एफ है, दिस इज माइनस एफ कमा जीरो, माइनस एफ कमा जीरो, और इसका जो कोऑर्डिनेट है दिस इज जीरो कमा एफ। अब देखो जब यू माइनस इन्फिनिटी पे है तो भी क्या था, एफ पे आया था, डॉट दिखा दिया। जब यू माइनस इस एफ पे आएगा, इस एफ पे आएगा तो इमेज कहाँ पहुंचेगा, इस इन्फिनिटी पे। देखो जब u इस f के इधर होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इमेज कहाँ जाएगा, इस इन्फिनिटी पे, मतलब u f से, ये f की लाइन है ना, इस f से थोड़ी सी ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, तो इमेज कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो डॉट यहाँ दिखा दिया, इनको आपस में मिला दो, ये डॉट ऐसे होता है कर। दूसरा जब वो इस f के हल्का सा इधर आएगा, इधर आएगा, तो इमेज वर्चुअल हो जाएगा और आ जाएगा इस इन्फिनिटी पे, मतलब इस एफ के, जो एफ की लाइन है ना, इसके हल्का से इधर गया तो इमेज कहाँ आ जाएगा, सीधे माइनस इन्फिनिटी पे नीचे आ जाएगा, इधर इस साइड में आ जाएगा, ये डॉट यहां मिल गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट यहां पे जैसे से तुम जाओगे, इसका ऑप्टिकल सेंटर पहुंचोगे, तो यू जीरो तो भी जीरो, तो भी जीरो हो गया, तो एक कर्व ऐसे मिलेगा, ऐसे कर्व मिलेगा उसके बाद। अब देखो और अगर तुम देखो ना मिरर वाला, तो ये बढ़ाओगे ना तुम्हें ऐसे मिलेगा, ये कर्व बेसिकली ऐसे बनता है, एकदम सिमिलर टाइप का कर्व होता है, बट कोऑर्डिनेट अलग अलग होता है। ये है कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ, कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ। एक और चीज सुनना, इसको मैं कैसे समझ सकता था, u जीरो है तो भी जीरो है, और अगर मैं फॉर्मूला में लिखूं वन अपान भी प्लस वन अपान यू इक्वल्स टू वन अपान एफ, और यू अगर इन्फाइनाइट हो जाए, माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो अगर यू प्लस, सॉरी यू इधर है ना, रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है, इधर रियल रियल का इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, यू अगर प्लस इन्फिनिटी हो जाए तो यू प्लस इन्फिनिटी, तो जीरो हो गया, अभी एफ आ गया, देखो वो सिर्फ एफ तक जाएगा, सिर्फ एफ तक, यहाँ का डॉट बनेगा यू प्लस इन्फिनिटी अभी एफ। देखो वही है उसी चीज को जो मिरर में एक्सप्लेन किया था, एक ही कैलकुलेशन करके वही यहाँ पे बन रहा, तो उसको दोबारा उस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक और चीज, अगर मैं इस डॉट को इससे मिलाऊं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एफ का माइनस, ये ओरिजिन है ना, तो इधर माइनस एफ इधर प्लस एफ, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस एफ कमा एफ। दिस इज, अब मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया ऐसे, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है दिस इज माइनस टू एफ कमा टू एफ, और ये मिरर में मैंने ऐसे बताया था कि ये 2f कमा 2f होता है, याद करो यहाँ पे माइनस 2f कमा 2f है, क्योंकि अरे यहाँ पे u अभी बराबर होगा ना, क्योंकि f कमा f है माइनस, ये 45 डिग्री की लाइन है, 45 डिग्री की लाइन है, तो यहाँ पे भी तो 45 डिग्री की लाइन होगी, तो दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होगा u और v,
तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस ग्राफ को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस पे मैंने तुम लोग को बताया था एक और चीज, ये तो कोऑर्डिनेट ग्राफ है, रिपीट कर रहा हूँ, दिस वन इज द कोऑर्डिनेट ग्राफ, कोऑर्डिनेट ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ग्राफ। और यही डिस्टेंस ग्राफ मैंने वहां ड्रॉ किया था, यही चीज। तो याद करो मैंने कहा था सबके लिए सेम बनता है, वो इस तरीके से ऐसे दिखाया था, ये यू पे मॉड है, ये भी पे मॉड है। ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे चलेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, याद करो। वहां भी कहा था एकदम सेम बनता है, एकदम सेम बनेगा, ध्यान रखना। ये तो यही रह जाएगा क्योंकि इसमें यू भी पॉजिटिव है, तो यही रह जाएगा। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है वो इधर आ जाएगा क्योंकि इसका भी तो पॉजिटिव है, यू निगेटिव है। अगर यू निगेटिव है तो पूरा इधर भेज दो, तो पूरा इस एक्सिस को मिरर इमेज बना दो, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। और इस वाले में देखो, इस वाले में दोनों ही निगेटिव है, मतलब यू भी निगेटिव भी निगेटिव है, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे, वो ये वाला बन जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, जैसे कि इसको नाम दे देगा कि पॉइंट वन है, पॉइंट वन पे क्या है, ये पॉइंट वन वाला ये है। अब बेसिकली ऊपर वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ है तो पॉइंट वन पे क्या है, रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए तुम्हें इस ग्राफ का हेल्प लेना पड़ेगा। एक एक वर्ड में सिमिलर बोल रहा हूँ, जैसे मैंने मिरर में बोला था, बस लेंस है वो मिरर था। वन पे जानना है तो वन पे यू भी चेक करेगा साइड में, तो वन पे यू क्या है, देखो यू पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव है। अब भी क्या है, भी पॉजिटिव है। अब देखना, यू पॉजिटिव का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट, रियल का वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वहां पे भी यू पॉजिटिव आया तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना था, आपकी बार भी सेम है। अब भी पॉजिटिव पे ये रियल इमेज होगा, क्यों रियल इमेज होगा, अरे भी पॉजिटिव है ना, ये लेंस है तो भी पॉजिटिव तो आ गया इधर, इमेज इधर है और रिफ्रैक्टेड रेज भी इधर ही होगी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, एक रेज ऐसी पड़ेगी, फिर ऐसे पड़ेगी, फिर मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इसको आगे बढ़ाओगे, आगे आगे बढ़ाओगे ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट होगा और ये इमेज होगा। तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन गया क्योंकि रेज कन्वर्ज हो रही है, और ये रिफ्रैक्टेड रेज है यहाँ पे मिल रही है, तो कन्वर्ज हो रही है रिफ्रैक्टेड रेज, तो इमेज रियल हो गई। तो अगर भी पॉजिटिव है तो रियल इमेज होता है, भी पॉजिटिव है तो हमेशा रियल इमेज होगा, ये पॉजिटिव प्लस और माइनस ही बता देगा कि क्या है। यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, भी पॉजिटिव रियल इमेज, लेंस के अंदर चल रहा है। ऐसे ही तुम हर पॉइंट पे चाहे इस पे चाहे इस पे किसी पॉइंट पे बता सकते हो कि उस पे रियल इमेज है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जैसे कोई पूछे कि ये बताओ भाई यहाँ पे पॉइंट टू है, पॉइंट टू क्या, पॉइंट टू यहाँ पे होगा कहीं, इस पे पॉइंट टू क्या है, तो पॉइंट टू पे तुम्हें कमेंट करना है। तो पॉइंट टू पे देखो यू इधर है ना, निगेटिव होगा, यू निगेटिव होगा, और ये ओरिजिन भी ऊपर है, भी ऊपर है, मतलब भी पॉजिटिव होगा। अच्छा यू निगेटिव का मतलब है ये रियल ऑब्जेक्ट है, यू निगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, अब भी पॉजिटिव रियल इमेज। देखो यू निगेटिव होगा तो इधर होगा, इधर होगा ऑब्जेक्ट, तो रेज इधर ही जा रही है तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, ये रियल इमेज क्योंकि इधर बन रहा है, ये सब समझ रहे हो, तो ये कॉन्वेक्स लेंस पे है। सर हाँ ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनकेव लेंस। अच्छा एक और चीज मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ रहे थे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में फिर इसका भी फोकस दिखा दो, इसका भी टेप दिखा दो, ठीक है। अब समझ सकते हो यार, सारे ग्राफ एक ही जैसे बनते हैं, यू भी दिखा दिया। और इसमें अगर कंफर्म है कि इधर होगा, अगर ऑब्जेक्ट रियल इधर है तो इमेज भी तो इधर ही बनेगा, वर्चुअल बनता है, और एफ और इसके बीच में रहता है हमेशा, इसका मतलब। और भी इसका अगर इधर है इमेज, अगर इमेज इधर है तो भी निगेटिव हुआ ना, भी निगेटिव हुआ मतलब इधर है, ऐसे एक लाइन ऐसे दिखा दो, ऐसे। और यू जीरो तो भी जीरो, तो ये डॉट यहां मार्क कर दो। और यू निगेटिव है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज का आएगा फोकस पे, तो यहां से ग्राफ शुरू होता है, ग्राफ ऐसे चलता है ऐसे। तो ज्यादा इधर से दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा दो, ऐसे आता है। और फिर यही चीज जब इधर दिखाओ ये वाला एफ, तो ये ग्राफ यहां से ऐसे चलेगा,
इस तरीके से चलता है, और यही चीज इधर दिखाओगे तो ऐसे चलेगा। जब सिमिलर ग्राफ है तो इतना एक्सप्लेन क्या करना है, मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ये ऐसे आएगा और ये इस लाइन के जस्ट इधर, तो अगला जस्ट इधर होता है तो इधर होगा, और ये कर्व यहाँ होगा तो इस एफ की इधर होगा, बन गया ग्राफ, यही ग्राफ होता है। अब इन चीज को एक्सप्लेन कर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बट तुम इसको ध्यान रखना है बस। और ज्यादा समझना होगा तो मिरर के हेल्प, मिरर का जैसे डिराइव किया था ना एक एक पॉइंट बता के, उसको समझ लेना, ये भी समझ में आ जाएगा उसी हिसाब से। अब देखो इसमें पॉइंट्स मार्क करते हैं, और इसका जो वो डायग्राम होगा ये कोऑर्डिनेट डायग्राम, रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द कोऑर्डिनेट डायग्राम, और इसका जो डिस्टेंस डायग्राम होगा वो एकदम सबका मिरर का लेंस का सबका सेम आता है, और इसको अगर तुम इससे मिला दो, ऐसे इसको मिला दो इससे, ये तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, देखो ओरिजिन ही है तो इसका कोऑर्डिनेट इधर है ना, तो +2f, और नीचे है तो -2f, इसका कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, -f, -f, इसका ही बनेगा, इतना ध्यान रखना था। अब इसमें कोई पूछे कौन क्या है तो लिख लो, ये मान लो पॉइंट वन है, कोई पूछे पॉइंट वन को बताओ तो वन पे सीधे क्या देखोगे, साइन देखोगे, रेज लेफ्ट से दिखा रहा हूं, तो वन पे यू कितना है, यू इधर पॉजिटिव, तो वन पे यू पॉजिटिव है, अभी क्या है नेगेटिव, तो यू पॉजिटिव, यू पॉजिटिव मतलब इधर है ना, इधर रेज इधर से आ रही, तो ये इंसिडेंट साइड है और ये रिफ्रैक्टेड साइड है, तो यू पॉजिटिव है मतलब इधर है, ऑब्जेक्ट किधर हो, यू ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट किधर है, रिफ्रैक्टेड साइड है, क्या होगा वर्चुअल, भाई इंसिडेंट ऑब्जेक्ट बनाता है ना तो सेम में रहेगा तभी तो रियल कहलाएगा, तुम हो इंडिया के रहोगे इंडिया में तो रियल हो, पाकिस्तान में पहुंच गया तो वर्चुअल हो, ये भी नेगेटिव है, भी नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब इधर रिफ्रैक्टेड साइड, हाँ भी इमेज बनाता है, इमेज अपने साइड में है, रियल है बस, बन गए। तो कहीं भी पॉइंट मार्क करना तुम बता सकते हो। अच्छा ये यूवी डायग्राम बताया कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का, डिस्टेंस कोऑर्डिनेट डायग्राम और डिस्टेंस डायग्राम सेम। अब आता है इस पे वन अपान यू वर्सेस वन अपान बी ग्राफ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस का आता है, तो कॉन्वेक्स लेंस पे वन अपान बी माइनस वन अपान यू इक्वल्स टू वन अपान एफ, और कॉन्वेक्स लेंस का अगर रेज इधर से आ रही है तो एफ क्या मानते हो, पॉजिटिव, तो ये वन अपान बी वाई एक्सिस पर रहेगा और वन अपान यू एक्स एक्सिस पे है, तो वाई बराबर क्या आ गया, एक्स प्लस वन अपान एफ, तो स्लोप पॉजिटिव आ गया ना, तो अगर तुम्हें कोई कहे कि वन अपान यू वर्सेस वन अपान बी ग्राफ बनाओ, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट वन अपान एफ बनेगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये बनेगा -1/f,0, ये बनेगा, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यही ये तो ये कोऑर्डिनेट ग्राफ है, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट का ग्राफ है वन अपान यू वर्सेस वन अपान बी का, यही अगर डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करते तो याद करो डिस्टेंस ग्राफ मैंने कहा था सबका सेम होता है, तो ये तो ऐसे रहेगा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये वाला ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो सीधे इधर भेज दो, तो सीधे इधर भेज दो, और इस वाले का तो ये भी निगेटिव है इधर भी निगेटिव है नीचे की ओर भी, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट ये है, और ऊपर का पार्ट ये डिस्टेंस ग्राफ है, मॉड है, इसमें भी कोई पूछे कि ये इसे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दो ऐसे ही, ये पॉइंट वन है, पॉइंट वन बताओ क्या क्या है, कॉन्वेक्स पे ठीक है, लेफ्ट से रे जा रही है ना, वन पे साइन चेक कर लो, वन पे वन अपान बी वन अपान यू पॉजिटिव है ठीक है, तो यू क्या होगा, वन पे यू पॉजिटिव है, अब बी भी क्या है पॉजिटिव, अरे ऊपर है ना तो वन अपान बी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, यू पॉजिटिव है, देखो तो ये इंसिडेंट साइड है ये रिफ्रैक्टेड साइड है, तो यू पॉजिटिव आ गया मतलब इधर है, तो अपने साइड में नहीं है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव है रियल इमेज, हो गया, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉन्वेक्स बता दिया, द सेम थिंग्स कॉनकेव पे आते हैं, कॉनकेव
तो कॉनकेव पे तुम वही लिखोगे वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान एफ, बट ये क्या होगा नेगेटिव, ये तो वाई एक्सिस पे जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे जाएगा, तो इधर भेजोगे तो वन अपान एक्स वन अपान है, बट ये बन जाएगा आपका निगेटिव, तो इंटरसेप्ट बस क्या बनेगा निगेटिव बनेगा, तो एकदम ड्रॉ कर दो वन अपान यू एंड वन अपान बी, इंटरसेप्ट निगेटिव तो नीचे से लगेगा ऐसा, समझ सकते हो तुम, इसका कोऑर्डिनेट वन अपान एफ का मान जीरो, इसका कोऑर्डिनेट माइनस वन अपान एफ सॉरी जीरो का मान माइनस वन अपान एफ, इस कौन ऐसे दिखा सकते हो इसका, अरे इधर से दिखा रहा हूँ, अब कहीं पॉइंट मार्क करके पूछूं कि बताओ क्या है तो बता सकते हो, डिस्टेंस ग्राफ ऐसे और ऐसे एकदम सेम चीज है जैसे मिरर पे था, ठीक है। तो यहां पे मैंने अभी आपको सिर्फ बताया है, अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सपोज कि मीडियम वन है ये मीडियम टू है, ओके इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट थ्री के बराबर है, रूट थ्री नहीं रूट टू है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो टू के बराबर है, ये रेंज है, तभी तो इस बेंड हो गई, इस रेस का इक्वेशन दिया गया, सपोज करो टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, और इस नॉर्मल की इक्वेशन है जे कैप, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेस, एक सेकेंड और,